फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तरबूज के छिलके से एकदम अलग और नई रेसिपी। तो आप भी अगर इस तरीके से तरबूज के छिलके को फेंक देते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद तरबूज के छिलके को कभी भी नहीं फेंकेंगे और आप भी इस तरीके से रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने रेसिपी बनाने के लिए ये तरबूज के छिलके लिए हैं। तो पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर जो ये अंदर का ये गिद्दा है ना, इसको हमें निकालना है। तो इसको इस तरीके से हम पहले कट लगा लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से कट लगाने से क्या है ना, ये आसानी से निकल जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से हमें इसको निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से देखिए ये आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ हमें इसी तरीके से निकाल लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से हमने देखिए इसको निकाल लिया और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। तो वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखना, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगी रेसिपी और तभी आप रेसिपी को बनाना। तो इस तरीके से आपने तरबूज की टूटी फ्रूटी तो कई बार बनाए होंगे, लेकिन चिप्स पापड़ कभी भी नहीं ट्राई किए होंगे। तो एक बार इस तरीके से जरूर से ट्राई करना। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने ये तरबूज के छिलके में से इसको निकाल लिया है। अब इसको एक बर्तन में डाल देंगे। तो यहाँ इसको अब हम अच्छे से साफ कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने देखिए इसको अच्छे से पानी में साफ करके अच्छे से इसको साफ कर लिया है। तो अब लेना है हमें यहाँ एक मिक्सी का जार, और इसमें डाल देंगे ये हमने तरबूज के छिलके में से जो ये निकाला ना, इसको इसमें डाल करके इसको हमें पीस लेना है। तो इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर जरूरत लगेगी तो इसमें हम बाद में थोड़ा पानी ऐड करके पीस लेंगे। तो पहले हमें इसको ऐसे ही पीस लेते हैं। तो चलिए पहले इसको हम पीस लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए, इसको हमने पीस लिया था। यहाँ हमने इसमें आधा गिलास पानी डाल करके इसको पीस लिया है। तो अब क्या करना है, इसको हमें छान लेना है। तो चलिए पहले इसको अब हम छान लेते हैं। देखिए, इस तरीके से चम्मच से करते हुए इसको हमें अच्छे से छान लेना है। तो जो भी इसका पेस्ट है वो देखिए छन्नी में अच्छे से छन जाएगा। देखिए, हमने पेस्ट को छान लिया है। इसको अब हम हटा देंगे, इसको हमें नहीं लेना है। तो यहाँ इस पेस्ट को हम बर्तन में डाल देंगे, जिस भी बर्तन में आप बनाएं। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो ये देखिए, गैस के ऊपर हमने जो तरबूज का पेस्ट बनाया था ना, उसको रख दिया और इसको हमें लगातार इस तरीके से चलाते रहना है गैस को। तो यहाँ इसको हमें हम लगातार इस तरीके से पलटे से चलाते रहेंगे और थोड़ी देर हमें गैस की फ्लेम को हाई रखना है। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और लो गैस की फ्लेम पर ही इसको हम अच्छे से पका लेंगे। तो इस तरीके से एक बार आप जरूर से बना करके देखना। तरबूज के छिलके से चिप्स या पापड़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार जरूर से बना करके ट्राई करना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो। तो यहाँ देखिए हम पेस्ट को पकने देंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने कटोरी में ये मैदा लिया है। तो इसमें थोड़ा पानी डाल करके इसका एक घोल बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो इसका एक पतला सा घोल बनाना है हमें। तो यहाँ देखिए, इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं।
तो देख सकते हैं आप, हमने यहाँ देखिए ये मैदा का घोल बना लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए ये पेस्ट भी देखिए हमारा काफी ज्यादा देखिए गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसमें इसको हमें डाल देना है। तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको इसमें डाल देंगे। ये देखिए मैदा का घोल हमने इसमें डाल दिया। मैदा का घोल डालने के बाद में हम इसको अच्छे से पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो मैदा का घोल डालने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे ताकि मैदा भी अच्छे से पक जाए इसमें। तो यहाँ हमने इसमें एक कटोरी छोटी कटोरी पानी ऐड कर दिया है। अब इसको अब हम अच्छे से पका लेते हैं। देखिए ये हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके अब इसको हमें लगातार चलाते रहना है और अच्छे से इसको अब हमें पका लेना है। तो यहाँ देखिए बैटर को हम जैसे जैसे इसको पकाते जाएंगे तो देखिए बैटर हमारा गाढ़ा होता जाएगा। तो आप देख ही पा रहे होंगे, देखिए बैटर हमारा देखिए कितने अच्छे से पकता जा रहा है। तो इस तरीके से इसको हमें लगातार चलाते रहना है। मैदा पैन के बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। आप इस तरीके से अगर इसको लगातार चलाते रहेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपके चिप्स बन करके तैयार होंगे, बिल्कुल सफेद चिप्स बन करके तैयार होंगे। आप एक बार इसको जरूर से बना करके ट्राई करना, आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी। अगर रेसिपी आपको मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना। तो देखिए जैसे जैसे हम इसको पकाते जा रहे हैं तो देखिए बैटर हमारा गाढ़ा होता जा रहा है। तो आप देख ही पा रहे होंगे, देखिए बैटर कितने अच्छे से हमने इसको पकाया है। जितने अच्छे से आप बैटर को पकाएंगे उतनी अच्छी आपकी चिप्स या पापड़ बन करके तैयार होंगे। तो देख पा रहे होंगे आप, हमने देखिए बैटर कितने अच्छे से हमारा पकता जा रहा है। तो आप क्या करना है, इसे हमें थोड़ी देर के लिए और पकाना है, बस ज़्यादा नहीं पकाना है। तो देखिए बैटर हमारा अच्छे से पक चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हल्का ठंडा होने देंगे। जब तक बैटर हमारा ठंडा होगा तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये बैटर देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं कुछ काम करने लगे तो ये ज्यादा ही ठंडा हो गया था। तो देखिये बैटर थोड़ा गाढ़ा सा भी हो गया है, देखिये इस तरीके से ज्यादा ही गाढ़ा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो चलिए देखिए हमने एक प्लेट ली है, इसमें हमने यहाँ तेल लगा लिया हल्का सा। अब चलिए इसमें बना लेते हैं हम चिप्स। चिप्स आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी जैसे भी आपको पसंद हो उस हिसाब से यहाँ बना सकते हैं। तो देखिए हम इस तरीके से इसको बना लेते हैं। तो इसको हमें ज्यादा नहीं फैलाना है, देखिए इस तरीके से हमें इनको बना लेना है। तो आप देख ही पा रहे होंगे इस तरीके से बना लेना है। तो ये देखिए ये हमने चिप्स बना लिए। अब इनको हम धूप में सुखा लेंगे। आप चाहे तो पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं या फिर धूप अच्छी सी आ रही तो धूप में भी इसको सुखा सकते हैं। तो चलिए अब इनको हम धूप में सुखा लेंगे, जब ये अच्छे से सूख जाएंगे उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे।